सत मृत्यु मिछ भूत भूत भयरे स्कूल छाड़िले मालकानगिरी कोलागुंडा आश्रम स्कूल छात्र अजणा रोग और ट्रीटमेंट विफलतार खसवाई भूत षड़ अजणा रोग से दुई शिशु मृत्यु पर ड्यामेज कंट्रोल चक्रांत पुणी किसी अघटन घटा आगु पा ठेली विपद मुह को बिवाद रे स्वास्थ्य विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग ए दृश्य होछि मालकानगिरी कोलागुंडा आश्रम स्कूल रो जणक परे जणे पिला स्कूल छाड़ुचंती घर को फेरुचंती कारण होछि भूत भय ये सही आश्रम स्कूल जेउठारे अजणा रोग रे दुई शिशु को जीवन जाइछि एबे भी 11 जण मालकानगिरी मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्साधीन अछंती आउ एपटे मृत्यु एवं चिकित्सा दोषर खसवाई बड़ षड़ स्कूल रे भूत बाहर बाहन अभिभावक को डाकी तांको टीप चिन्ह मर पा पठाई देउछंती घर को सेमती रोग हेला बोली कहते सर माने की रोग एमती फिल्टर पानी पीले एमती कुंडिया कुंडिया सेमती आ पतला झाड़ा बोले उतिला बोले कह दिले सर से माने ना बुथ टाइप रो देखा माने जरखा कलाला बोले साउन होछि कोन कोन एठी देखि टिके सुनुथिले आ कोन किसे पिला मान रो सब कथा तो कोई पार नांती पिला घर को जिबे जंगल उपांत अंचल रे रहिबे चिकित्सा सुविधा भी पाइबेनी गुणिया पाख को जिबे किछि भी अघटन घटि पारे एबे बड़ प्रश्न भूत बाहरुछि कहि पिला को घर को पठाई देबा षड़यंत्र पछरे किए काहीकि भूत मिछ बोली पिलांकु करा गला नाही सचेतन अजणा रोगर भयरु बंचिबापाई ये चक्रांत नुहे कि घर को पठाई पिलांकु विपद मुह को ठेली दिया जाऊ नाही कि सेबडे वर्तमान पर्यंत दुई शिशु मृत्युर कारण जना पड़ी नाही एबे सुधा कारण खोजुछंती डाक्टर भूत नारे पिलांकु अंधविश्वास भर्ती करउछंती निजर दोष दुर्बलता को लुचेयापाई ये गोटे प्रयास चलछि सेठी जो भावरे पिला चिकित्सा माने रोगरे पड़िचंती सेमानको प्रथमे मेडिकल नेबा कथा तो मेडिकल नेबार बहाना करी माने पिला को नै जाउचंती तब तो अछि बोली हॉस्टल रे भूत अछि बोली सार छुआ मन को दमकाय कि डरै कि तांको घर को पठै दउचंती काई एते वर्ष स्कूल टा थिला आज पर्यंत आमे सुनिनो जे से स्कूल रे भूत अछि पिला आमे डेंगू टेस्ट नेगेटिव कोविड नेगेटिव आगा आ मलेरिया नेगेटिव आगा स्वास्थ्य मंत्री नव दास अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री जगन्नाथ सारका देखुचंती ना नाही दुई पिलांको जीवन गला परे भी ना गले नव ना गले सारका एई मालकानगिरी रे 2016-17 रे जापानी ज्वर रे सह सह पिलांको जीवन जाईथिला एबे पुणी अजणा रोगर भय मालकानगिरी रु विक्रम स्वाई को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।